अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। डॉक्टर बी आर अंबेडकर सभ्याचारक मंच है पिंड शेखेर, वो 10 मिनट लई अपने विचार दसणगे। संगतां नूं लख लख वधाइयां, जो काफ़ी देर तो पंडाल दे विच अज बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर जी दे जन्म दिहाड़े ते एकत्र होए ने। सो विशेष तौर ते बहुजन समाज पार्टी तो श्री बलविंदर जी जोन इंचार्ज जलंधर तो वो भी पहुंचे ने, अपना बहुत कीमती समय कट के बहुत बहुत धन्यवाद। सारिया संगतों को लख लख बधाइया। सो साथियों, आज जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है, वो इकला संजय गांधी नगर के ही नहीं या पंजाब या भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़ा दलित कौम वालों बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जा रहा है। सो साथियों, सब तो अहम गल ये मैं कह जा रहा है कि जो साडे हक हकूक हैं वो सिर्फ जन्मदिन मनाने दे नाल ही नहीं मिलने, जो सानू बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अधिकार लेके दिते हैं उन्होंने कदे भी अनगोलिया नहीं किया जा सकता। सानू जो ये हक हकूक हैं संघर्ष करके लेने पै रहे हैं, कले जन्मदिन मनाने दे नाल ही नहीं या फिर ताड़ियां मारन दे नाल ही नहीं, ये कारे दे लाउण दे नाल ही नहीं मिलने। सानू कोई भी काम जो है वो संघर्ष करके लेने पैंदे ने। पंडाल दे विच बैठिया बीबिया नूं मैं गल पुछनी चाहुंदा कि दिवाली जिहड़ी हैगी आ वो कौन कौन मनाउंदे आ? जो पंडाल दे विच मेरे वीर भी बैठे आ, भैणां बैठियां, मैं एक सवाल करना चाहुंदा कि दिवाली वाले दिन दीवे कौन कौन जगाउंदे आ? दीपमाला कौन करदे आ? हाथ खड़े करो जिहड़े दीपमाला करदे आ। तुसीं जगाउंदे जी? एक मिनट प्लीज। दिवाली जिहड़ी आ मैं 14 अप्रैल नूं मनाउंदा, दीवे भी जिहड़े 14 अप्रैल नूं जगाउंदा, क्योंकि अपनी दिवाली जिहड़ी आ डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का जन्मदिन 127वां जो भी चल रहा आ, दिवाली अपनी असली डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की आ। साडी दिवाली उही आ, होर दिवाली नूं भुल जाओ। बहुत वधिया गल कीती, जिहड़ी गल मैं कहनी चाहुंदा सी मेरे वड्डे वीर ने आ के पूरी कर दित्ती आ। दिवाली वाले दिन साडा ही समाज दीवे बत्तियां दीपमाला करता। साडी जो असल दिवाली है वो 14 अप्रैल नूं आ। 14 अप्रैल नूं किहने किहने दीवे लाए आ? किसी ने नहीं लाए, मैनूं लगदा बहुत घट। इस करके साथियों मैं गल कहनी चाहुंदा कि 14 अप्रैल नूं साडी असल दिवाली है। रामचंद्र नूं किसी ने नहीं देखिया, ना मैं देखिया, ना मेरे बाप ने देखिया, ना मेरे बाबे ने देखिया, दादे ने देखिया, किसी ने नहीं देखिया। पर लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जेकर मैं ना देखा होगा तो मेरे बाप ने देखा होगा, जेकर मेरे बाप ने नहीं देखा होगा तो मेरे दादा जी ने जरूर देखा होगा। तो बहुत पुरानी गल नहीं है, हाथ खड़ा करो जिन्हें श्री राम नूं देखा होवे, रामचंद्र नूं देखा होवे, किसी ने नहीं देखा। असी उन्होंने देवी देवत्यां नूं क्यों पूजिए जिन्हां नूं असी कदे देखा ही नहीं है? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने आज जब तुम चेयर से बैठे हो तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत बैठे हो। जेकर अज मैं स्टेज से बोलने का मैं अधिकार मिलया है तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत मिलया है। दिवाली असी मनाते हाँ धूमधाम के नाल, साडे समाज के लोग हजारों रुपया के उस दिन पटाके बजाते, दीपमाला करते, लखा रुपया खर्च देंगे। दिवाली तो उन्होंने लोगों की आ जोड़े अपना समान बेचते, समान कौन बेचते? मनुवादी सोच दे लोग।
दलित कौम के लोग समान खरीदते हैं, दीपमाला करते हैं, पटाके बजाते हैं, दिवाली तो उन्होंने लोगों की आ जोड़े पैसा कमाते हैं, साडा तो दिवाला निकल जाता है। इस करके साथियों पटाके बजाने कोई भी खुशी मनानी है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन से मनाओ, गुरु रविदास महाराज जी के गुरपुरब से मनाओ, बजाओ पटाके जिन्हें बजाने दीपमाला करो, तो लेकिन उदो साडे दीवियां दे विच तेल ही मुक जाता है। मैं अपने पिंड दे विच अनाउंसमेंट की शेखे पिंड दे विच शेरपुर मुबारकपुर शेखियां दे विच 14 अप्रैल नूं कि अज साडी असल दिवाली है, घरां दे विच जा जा के दीवे जगाए आ, दीपमाला की आ। जड़ा संघर्ष है जदों असीं करदे तां सानूं हक फेरे मिलदे आ। इस करके साथियों कल्ले ताड़ियां मारन दे नाल ही नहीं बाबा साहब नूं सच्ची श्रद्धांजलि दित्ती जा सकती है, उन्हां दे दसे होए मार्ग ते चलो। 2 अप्रैल का दिन साडे लई बड़ा मनहूस दिन सीगा, जिस दिन सानू मनुवादियां ने मजबूर कर दिता सड़कां ते आउण दे लई। अज तो 15-16 साल पहला जो तलण कांड जलंधर दे विच होया सी असी उन्हों तो हले भुले नहीं सके, तो उस तो बाद मनुवादी सोच ने संत रामानंद जी की हत्या करके सानू वो दिन दोबारा फिर दोबारा याद करा दिता। हले असी संत महाराज जी की संत रामानंद जी कुरबानी हले भुले नहीं सके, तो मनुवादी सोच ने SC ST धारा जी खत्म करके सानू वो फिर दिन याद दिला दिता, तो सानू 2 अप्रैल में दोबारा सड़कों पर आना पिया। तो जिहड़े लोगों नूं असीं वोटां पा के असैंबली दे विच भेजदे हां रिजर्व कोटे दे विचों असैंबली विच भेजदे हां पार्लीमेंट विच भेजदे हां उत्थे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी बन के बह जांदे आ, तां लेकिन 2 अप्रैल दे दिन वो अपने घरां दे विच एसीआं वाले रूम दे विच बैठे सीगे, तां साडे लोग तत्तियां सड़कों पर बैठे सीगे, मोदी का स्यापा कर रहे थे, ओदियां मकाना दे रहे थे। तो कोई भी जड़ी पार्टी है चाहे वह कांग्रेस होवे अकाली होण कोई भी साडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़ा नहीं होया। सर्वोदय बहुजन समाज पार्टी सी जो साडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के चली आ। सो साथियों वैसे मैं पोलीटिकल तौर पर जाना नहीं चाहता, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने राजनीति की गल की सी तो असी का पिछे रहिए, तो साडे गुरु रविदास महाराज जी ने उन्होंने भी कहा सी कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। साडे सतगुरों ने महापुरशां ने जेकर राजनीति की गल की है तो असी पिछे नहीं हटांगे। इस करके साथियों मनुवादी लोग दे सोच जो है सानू वो जेलों में डकना चाहते हैं, साडे तो तशद्दुद भी करते हैं पर असी जेलों में जान तो पिछे नहीं हटांगे। अखां खोलन दे नाल जागृति नहीं होनी, जागृति होनी है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दसे हुए मार्ग तो चलन दे नाल, उन्हां दे दसे हुए मार्ग तो चलन दे नाल जागृति होनी है। इस करके साथियों जड़े मनुवादी लोग दे सोच साडे ते तशद्दुद करना चाहते आ, सानू जेलों में भी डकना चाहते आ, साडे ते जुलम करते आ, असी जेलों भर देवांगे। सियाणे कहिंदे ने बट्टे उस वेरी नूं बजदे ने जिस वेरी दे मिठे ने बेर हुंदे, कौन पुछदा कुत्तियां कावां नूं बंद पिंजरे दे विच ही शेर हुंदे। सो साथियों इस तरह ही अपना इकट्ठ बनाई रखो तो कोई माई का लाल जमया नहीं कि ताडे इकट्ठ नूं कोई तोड़ सके। इन्ना ही कहिंदा हां सारिआं नूं जय भीम जय भारत जय गुरदेव धन गुरदीप। सारे ही नगर निवासियों नूं जय भीम जय भारत कहिंदा हां और बाबा साहब के जन्म दिवस की लख लख बधाई दिंदा हां। और नाल ही जिहड़ी डॉक्टर BR अंबेडकर नौजवान सभा मैनूं दस्सिआ आया सभा के मैंबरां ने भी शायद पहली बार उपराला है, ये भी बधाई दी इस गलों भी बधाई दिंदा आ।
क्योंकि जिस तरह जिन्ना क असी बाबा साहब नूं समझाया भी जिहड़ा ये मनुवादी प्रबंध आ इहदे विच असी गुलाम लोग आ ते असी ये गल समझ लईए भी जिहड़ा साडा दुख आ साडा दर्द आ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਹੋ ਗਏ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਉਹ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖੋਹ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਓ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ MLA ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ MLA SC ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ MP ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਫਗਵਾੜਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੂਲੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਆ ਉੱਧਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੇ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਫਗਵਾੜਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਆ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜਾ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ BJP ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ BJP ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੱਢੇ ਗਏ ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਊਂਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੂੰਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਆ ਬਹੁਜਨ SC BC ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਦਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ
ते आपां सरकारा बनाउण वल वधीए तद ही साडी मुक्ति संभव होगी, तद ही विचारां बाबा साहब दे जिहड़ा समानता वाले विचारां दा समाज आ ते देश आ बन सकूंगा। यही साडी उहनां नूं सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही साडा जिद्दां बाबा साहब साडे लई काम करके गए, असीं भी काम करिए भी जिहड़े साडे बच्चे उह वधिया जिंदगी जी सके। जे असीं मनोबादी प्रबंध विच लगे रहे, उहनूं मजबूत करदे रहे, अपनी जिंदगी भी खराब करांगे और अपने जिहड़े बच्चे आ उहनां दा भविख भी असीं खराब करके जावांगे और इहदे लई असीं आप जिम्मेवार होंगे। इस करके आओ रल मिल के आपां संघर्ष करिए, सत्ता वल वधीए, अपना प्रबंध बनाइए और जो बाबा साहब दे जो सही पैरोकार है, जो उन्हीं सुपना सोचा सी उन्हां नूं पूरा करिए। इन्नियां ही बेनतियां नाल उम्मीद करदा वी तुसीं सारे सूझवान साथी आ, मोहतवार आ, किसे होर ने तुहाडी जिम्मेवारी नहीं समझनी, आप ही अपना भार आप ही चकना पैणा आ। अगे वधो, असीं बिल्कुल तुहाडे नाल आ। कोई समस्या आउंदी आ रल मिल के नजिठांगे, पहलां भी गल होई सी, खुशी आउंदी उह भी सांझी करांगे ते लड़ मिट के लड़िए, प्रबंध अपना बनाइए और आप वधिया जिंदगी लईए, किसे वल देखना बंद कर दईए। धन्नवाद। जय भीम जय भारत। बहुत वधिया विचार रखे भाई बलविंदर जी ने। हुण साडे सभा दे बच्चे वो एक नाटक पेश करनगे। नाटक शिक्षा दे उत्ते है कि किवें पढ़ लिख के ते अच्छे काम किए जा सकते हैं ते ना पढ़न ते किन्ने माड़े काम करने पै सकते हैं। कल फोन लेके आना, देखी जाई गेमां खेल दे यार, गेमां तो हुण पुरानियां हो गईयां, बच्चे खेलदे गेमां, असी फोटो खिंचांगे। ओ पढ़दे नहीं तुसी, फोने ते गल्लां करदे रहंदे स्कूले आण के। तेरा कुछ जांदा? तेरा जांदा एवें लगा वड्डा। ओ पालो पालो फेन हो जाओ, तू ही हो जाऊंगा, असि तो पास हो ही आना, पालो पालो अपना। चल देखदे आ, ओए अपना काम कर ला, ओ अपना काम कर ला, साडे नाल आ जाऊंगा। वैसे भी ओ यार छड्डो यार, एदे नाल गल करन दा की फायदा, पागला दे नाल असि तां गल्लां करदे एवें आए वड्डे। इन्ना मजा आंदा ना बच्चो यार, बड़ा मजा। सी डाउन बच्चो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हुण मैं चपेड़ मार देनी। कौन? ओ मैडम जी, तुसी मैडम जी माफ कर दो, मैडम जी सॉरी, मैडम जी माफ कर दो। राहुल तू सुधरदा नहीं, मैडम जी माफ कर दो। सिट डाउन क्लास। थैंक यू मैम। हां जी हुण लैको, की रोला पाया तुसी? पढ़ना लिखना नहीं हुंदा, पढ़ाई दा तां मजाक बनाया होया इन्हां ने। तुहाडी क्लासमेट्स ने फ्री टाइम विच पढ़दे ने ते तुसी अपना टाइम वेस्ट करदे रहिंदे हो ते अपने पेरेंट्स दे पैसे भी। मैडम जी असी पढ़ लिख के की करना, असी केड़ा जज लग जाना। मैडम जी साडे पापा तैयारियां ही करते आ, आपां भी तैयारियां कर लांगे। पढ़ाई दा तां पूरा मजाक बनाया होया है तुसी, पढ़ना लिखना तुसी है नहीं, अपने पेरेंट्स दे पैसे वेस्ट करी जाओ बस। तुहानू इन्नियां ज्यादा सहूलतां मिलियां ने कि तुहानू बैठण लई बेंचेस मिले है, सिर उपर पखे लगे ने, सारे इकट्ठे बैठदे हो, फिर भी तुसी अपनी फैसिलिटीज का नजायज फायदा चकते हो। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, उन्हां नूं कोई भी फैसिलिटी नहीं हुंदी सी, उन्हां नूं क्लास तो बाहर बैठ के पढ़ना पैंदा सी, चाहे गर्मी होवे, सर्दी होवे, चाहे मीह क्यों ना पैंदा होवे, उन्हां नूं क्लास तो बाहर बैठ के पढ़ना पैंदा सी। क्यों? क्योंकि छोटी क्लास दे सीगे ते तुसी सारिआं नूं समान रख्या होया इत्थे। क्यों? क्योंकि बाबा साहिब ने सानूं आ हक लैके दित्ते ने ते तुसी ये इन्ना ज्यादा नजायज फायदा चकते हो अपनी फैसिलिटीज का। ताडे विच तां कई स्टूडेंट इदां दे भी होने हैं जिन्हां दे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं, फिर भी वो इन्ना वधिया पढ़ते हैं। मैडम जी मेरे मम्मी पापा नहीं पढ़े पर मैं पढ़ लिख के उन्होंने नाम रोशन करना चाहता है। देखिए तुसी, ताडे क्लासमेट है, पढ़ना चाहता है क्योंकि वो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं तो उन्होंने नाम रोशन करना चाहता है। तो तुसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, ताड़े पेरेंट्स आ पढ़े लिखे भी ने। चलो जदों तक तुहानू पढ़ाई की इंपोर्टेंस नहीं पता उदों तक तुसी पढ़ना नहीं। तो मैं सोचती हाँ कि तुहानू पहले पढ़ाई की इंपोर्टेंस ही दसी जाए कि तुसी पढ़ाई का नजायज फायदा ना चुको अपनी फैसिलिटीज का। चलो स्टूडेंट्स, तुहानू पढ़ाई की इंपोर्टेंस दसन वास्ते मैं अपने दो स्टूडेंट्स नाल मिलवाऊंगी जेडे कि मेरे तो पहले पढ़ चुके ने। चलो स्टूडेंट चलिए। यस। चलो
चलो शांत स्टूडेंट्स पहले आप शांति दे कर चलांगे। हाँ जी बच्चे हो तुम शांति दे बच्चे हाँ। हाँ जी मैडम जी अभी शांति दे बच्चे हाँ। तेरे मम्मा कितने ने? मैडम जी मेरे मम्मा चार पांच घर च काम करते हैं। ते हले आए नहीं? नहीं लाइटा जग गई बस उन्होंने आने वाला टाइम हो गया आंदे ही होने लो आ ही गए। मैडम जी आप अचानक? हाँ जी शांति मैं अपने स्टूडेंट्स नू पढ़ाई की इंपोर्टेंस दसन दी सी इन्हां दी लाइफ विच ते मैं सोचिया कि तुहाडे नाल मिलाया जाए ते तुसी इन्हां नू दसो कि तुसी अपने स्कूल लाइफ विच की कीता ते हुण तुहाडी लाइफ किद्दां दी है। मैडम जी आप मेरी लाइफ स्टाइल देख ही रही कैसी चल रही है। मुझे चार चार पाँच पाँच घरों में काम करना पड़ता है तब जाके कहीं हमें खाने के लिए रोटी मिलती है। आपने तो पहले ही कहा था कि पढ़ लो पर मेरी गलती कि मैं नहीं पढ़ी। अगर आपके कहने से मैं तब पढ़ लेती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखने पड़ते मुझे दूसरों के घर जाके काम नहीं करने पड़ते। मैडम जी मुझे बहुत पछतावा है इसका पर कोई बात नहीं मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाऊंगी और आप जैसा बनाऊंगी। और मैं इन सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप सब भी बहुत पढ़िए और अपने मैडम जी कहना जरूर मानिए। चलो शांति असी फिर किसी दिन मिलांगे ते हुण मैं इन्हां नूं तुहाडी क्लासमेट मनदीप आई होप यू रिमेंबर ओहदे नाल मिलाना है। हाँ जी मैम क्यों नहीं याद है मनदीप हमारे क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट थी। चलो शांति असी फिर किसी दिन मिलांगे। स्टूडेंट्स चलो हुण असी मनदीप दे घर चलना है। हाँ जी हाँ जी किधर किनू मिलना? असी मनदीप मैम नूं मिलना सी। हले आए नहीं ते कदों आओगे? बस टाइम हो गया गड्डी दा ओरे जिन्ना उहनां ने आ जाणा। पों पों ओ मैडम जी तुसी अज इत्थे किथे ते तुहानू मेरी याद कीता आई? मनदीप बस मैं अपने स्टूडेंट्स नूं पढ़ाई दी इंपोर्टेंस दसन दी सी इन्हां दी लाइफ विच ते मैं सोचिया कि तुहाडे नाल मिलाया जाए कि इन्हां नूं पता लगे कि अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो इन्हां दी लाइफ किन्नी वधिया होगी। इस तो पहला मैं तुहाडी क्लासमेट शांति नाल मिला के लैके आई इन्हां नूं ते तुसी इन्हां नूं अपनी लाइफ स्टाइल बारे कुछ दसो ते इह वी दसो कि तुसी स्कूल लाइफ विच की कीता। मैडम जी तुसी तां मेरी लाइफ स्टाइल देख ही रहे हो किन्नी सोहनी चल रही है ते ताड़ी मेहरबानी नाल मैं अज इन्ना पढ़ी ते पढ़ के देखो अज मैं तुहाडे सामने एक डॉक्टर हाँ ते अज मेरे कोल किसी भी चीज़ की कमी नहीं हैगी। अज मेरे कोल मेरा अपना घर हैगा मेरी अपनी मेरा अपना अस्पताल हैगा ते मेरी अपनी गड्डियां हैगियां। तुसी तां देख ही रहे हो मैडम जी मैं किन्नी खुश हाँ यह सब कुछ तुहाडी मेहरबानी है मैम जी। ते स्टूडेंट मैं भी तुहानूं आही कहना चाहुंदी हाँ कि तुसी अपनी मैडम जी का कहना मन्नो अते इन्ना पढ़ो पढ़ लिख के अपने मापिया का नाम रोशन करो। स्टूडेंट्स देखिया तुसी कि अगर तुसी पढ़ोगे तो तुसी जज भी लग सकते हैं ते अगर तुसी नहीं पढ़ोगे तो तुहानूं उही दिहाड़ियां करनियां पैणियां जो तुहाडे पेरेंट्स करते ने। यस मैडम सानू समा लग पिया जे असी ना पढ़ांगे सानू उही दिहाड़ियां करनियां पैणियां जे असी पढ़ांगे पढ़ लिख के वकील कोर्ट दे विच जाण ले असी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए असी ये प्रण लेंदे हाँ कि असी डॉक्टर वीर अंबेडकर जिद्दां दी पढ़न दी पूरी कोशिश करांगे ते उन्हां दे मिशन नूं अग्गे लैके जावांगे। जय भीम जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दी 127वीं जयंती मना रहे डॉक्टर बी आर अंबेडकर नौजवान सभा रजिस्टर्ड संजय गांधी नगर दे साथी डॉक्टर रशपाल रत्तू जी बलविंदर जी और बहुत ही सत्कारयोग साथी साढ़े राम सिंह जी सारे साथियों नूं जय भीम जय भारत जय मूल निवासी। साथियों अज जो आप अंबेडकर जयंती मना रहे हैं अंबेडकर इस देश दे विच कोई नाम नहीं एक अंदोलन का नाम है। मेरे तो पहला साथी बलविंदर कुमार जी बोल रहे सी उन्होंने शब्द यूज किया बहुजन बहुजन इस देश दे विच जिहड़ा शब्द है वह अपने आप दे विच एक संख्यावाचक शब्द नहीं बहुजन शब्द इस देश दे विच जिहदे विच शड्यूल्ड कास्ट की आबादी 15% शड्यूल्ड ट्राइब 7.5% 52% OBC और 10.5% जिहड़े धार्मिक घट गिणती लोग आ जिहदे विच सिख बोधी जैनी ईसाई क्रिश्चन मुसलमान आउंदे आ इन्हां सारिआं नूं मिला के शब्द बनता बहुजन। बहुजन शब्द इस देश दे विच एक ताकत है लेकिन इस देश दे विच अंबेडकर अंदोलन जो है जेकर बहुजन शब्द आपस दे विच खिलरा रहेगा
जदों तक तुसी इस देश दे विच जिहड़ा ब्राह्मण का सब तो वड्डा ब्रह्म अस्त्र है समाज नूं तोड़न दा जाति, जदों तक इस देश का बहुजन समाज 6 या 743 टुकड़ा दे नाल नाल इस देश दे विच जो स्ट्रक्चर है धर्मां दा उहनूं समझ के अपने आप नूं इक मंच ते लिया के इस देश दे विच अपनी आजादी दे उपराले नहीं करेगा, उदों तक इस देश दे विच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत नूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अंदोलन नूं अमली जामा पहनाया नहीं जा सकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सी कि मेरी जय जय करन दी बजाए मेरे अधूरे कारवां नूं पूरा करन लई अपने जतन करो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अधूरा जिहड़ा कम सी कि मेरा संघर्ष सत्ता और संपत्ति लई नहीं बल्कि भारत देश के बहुजन मूल निवासी लोगों की पूर्ण आजादी का अंदोलन है। यह बहुजन मूल निवासी लोगों की पूर्ण आजादी भाव के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यह महसूस करते सी कि जेड़े सिस्टम तो मैं अपने लोगों को आजाद करवाना चाहता वो अज भी किसी सिस्टम के जेड़े गुलाम लोग आ। जदों असी लोगों जाके इस गल लई सुचेत करते हैं कि अज भारत देश के अंदर जिहड़ी आपां गुलामी वाला जीवन बसर कर रहे हैं तो उन्होंने इंज महसूस हुंदा कि बांसे भारत मुक्ति मोर्चे वाले लोग बहुत कूड प्रचार करते हैं, ये सानू आके दसते हैं कि तुसीं गुलाम आ, असी गुलाम किदां होए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहिंदे सी कि गुलामां नूं गुलामी का एहसास करवा दिओ, ये अपनी आजादी का अंदोलन खुद खुद खड़ा कर लैणगे। जिस गुलामां नूं गुलामी का एहसास करवाउण लई एक व्हाट्सएप ते मैं अज ही पढ़ रहा सी कि कोई अमरीका का पत्रकार जिहड़ा पंजाब भारत का वह अमेरिका की धरती से जाता और अमेरिका के विच उत्थे किसे RSS वाले साथी नूं पुछदा कि इस देश दे विच जिहड़े बहुजन मूल निवासी लोग आ वह अपनी आजादी का अंदोलन चला सकते आ, तो जिहड़ा वह RSS का प्रचारक सी वह कहिंदा कि पॉसीबल नहीं। क्यों पॉसीबल नहीं? क्योंकि ये बहुजन लोग अपने घर के विच बच्चा तो पैदा कर सकते आ लेकिन वह नाम रखने लई साडे कोल आउंदे आ, वह नाम रखने लई ब्राह्मण के कोल जाते हैं, ब्राह्मण पांडे नूं पुछदे आ कि बच्चे का नाम की रखिए, वह कहिंदा है कि ये लोग अपनी मेहनत मजदूरी के नाल अपना घर तो बना सकते आ लेकिन घर के विच गृह प्रवेश करन लई वह ब्राह्मण तो बिना प्रवेश नहीं करता। ये जदों तक जिहड़े लोग आ बच्चा तो पैदा कर सकते उहदा नाम नहीं रख सकते, घर तो बना सकते आ साडे तो बिना घर के विच पैर नहीं रख सकते, तो वह लोग इस देश के विच क्रांति किदां करनगे, इहदी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जेकर साथीओ तुसीं अपनी आजादी के अंदोलन नूं इस देश के विच अली जामा पहनाउणा चाहुंदे आ तो सब तो पहला तुहानूं इहो डिटरमिन करना पवेगा कि इस देश के विच जिहड़े 6 या 743 टुकड़ां दे विच वंडे होए लोग आ तुहानूं अपनी ताकत के विच यकीन रखना पवेगा। और कांशीराम साहब ने यह गल कही सी कि 85/15 बारी है जे कैसी लाचारी है, उन्होंने यह चिंता सी कि 85% विशाल समाज एड्डी वड्डी गिणती वाला समाज सिर्फ 15% लोगों के इशारिया से नचण नूं मजबूर आ, यह जिहड़ी इन्हां दी मजबूरी आ यह कदों दूर होएगी। और उन्होंने नारा दिता सी कि 85/15 बारी है जे कैसी लाचारी है, यह 15% लोग 85% लोगों के हावी क्यों होए, क्योंकि ये लोग जिथे 6 या 743 टुकड़ों के वंडे आ उत्थे अलग अलग धर्मों के भी वंडे हुए लोग आ। और जदों तक तुसीं इस विशाल समाज नूं जाति मानसिकता तो उपर चुक के इन्हों एक मंच से लियाण लई तैयार नहीं करोगे तो इस देश के आजादी का जरा पूर्ण आजादी का बाबा साहब का संकल्प सी उन्हें तुसीं पूरा नहीं कर सकते। 30 तरीक नूं इस सुप्रीम कोर्ट नूं वरत के RSS और BJP की सेंट्रल सरकार ने शड्यूल्ड कास्ट एक्ट के नाल जिहड़ा वह खिलवाड़ किया, यह जिहड़ा शड्यूल्ड कास्ट एक्ट के नाल छेड़छाड़ सी इहनूं तुसीं इह ना समझो कि वह इस BJP जां RSS दी लोकां दी जिहड़ी सी उह मूर्खता सी, वह एक गिणी मिथी छज के तहत यह फैसला आया। वह फैसला करन दे पिछे उहनां दी मानसिकता की सी कि जिहड़े लोगों असीं हिंदू धर्म के कड़ावे के विच लै के इन्हां लोगों आपस के विच लड़ा झगड़ा रहे हैं, कदे असी राम लला आएंगे मंदिर जही बनाएंगे तो नारा दे के मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को लड़ा के इस देश के 419 सीटा जितने लई इन्हां नूं तैयार करते हैं, कदे खालिस्तान का नारा दे के खालिस्तान वर्सस हिंदुस्तान का झगड़ा लगाया जाता और इस देश के विच जिहड़ियां वड्डी पद्धर ते जिहड़ी चोण जीती जाती है। जदों देश के विच इह जाति वितकरा धर्मां दे नां ते दंगे कराउण दे विच BJP RSS वाले लोग
तैयार होंदे आ जां सबर होंदे आ ते इस देश दे विचों उदों उदों इस देश की जिहड़ी शासक करता ब्राह्मण जात आ जदमा दिया वह मजबूत होकर उभरी आ इस देश दे विच इह जिहड़ा 30 तरीक नूं फैसला आया यह भी एक गिणी मिथी छज के तहत होया क्योंकि शड्यूल्ड कास्ट लोगों की आबादी 30 करोड़ इस देश दे विच आबादी आ और 30 करोड़ लोगों की आबादी इस देश दे विच भारत के संविधान असी उहदे की उहदे विच चंगीआं गल्लां कि भारत का संविधान इन्ना वधिया संविधान आ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सी कि जिहड़ा मैं संविधान तुहानूं दे चलिया यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान आ लेकिन जेकर इहनूं लोग लागू करन वाले लोग बेईमान होणगे तां सब तों निकम्मा संविधान इहो साबत होवेगा अज लोगों के बच्च यह प्रचार किया गया कि भारत का संविधान इन्ना निकम्मा आ कि इन्हें सारा कुछ ही नीवी जाति वाले लोगों को देता मैं उन्होंने लोगों को पूछना चाहता कि जेकर भारत के संविधान ने सारा कुछ ही नीवी जाति के लोगों को देता हों तां 83 करोड़ लोग खेतों के घा खोदने मजबूर ना होंगे इन्हें सारा कुछ भारत के संविधान के भावें इस देश का हर नागरिक खुशहाल बनाने का प्रबंध सी लेकिन इस संविधान को तुसी अज तक इस देश के बच्चे इंप्लीमेंट नहीं किया लेकिन फिर भी इस संविधान की बदौलत ये छोटे छोटे बच्चे जिहड़े अज नाटक कर रहे हैं इन्हां बच्चों जदों कि खुले हवा के घूमते फिरते देख लेंदे सी तो इन्हां नूं दंड दिता जांदा सी लेकिन अज ये बच्चे भारत के संविधान की गोद का नहक मानते हुए खुली थावां ते फिरते ही नहीं ये मंचा ते इदां तैयार तुहानूं भी तैयार करने के लिए नाटक करने भी तैयार होए तो साथियों ये जिहड़ा भारत के संविधान ने इदां दा माहौल बनाया इस देश के जिहड़े हुक्मरान आ मौजूदा इस देश के हुक्मरान मौजूदा जिहड़े आ ओह नहीं चाहते कि भारत का संविधान इस तरह इन्हां लोगों नूं छोड़ दिंदा रहे वो 30 करोड़ लोगों के मुद्दे नाल छेड़छाड़ करके 70 करोड़ लोगों नूं तुहाडे विरोध दे विच उतारन दी इक वड्डी वड्डी साजिश सी लेकिन इस गल लई तुसीं बधाई दे पात्र हो कि जिहड़ा जट पंजाब दे विच तुहानूं इह कहा कि जट तुहाडा दुश्मन आ उस किसी भी जट की 30 तरीक नूं जिहड़ी घटना होई आ 2 तरीक नूं तुसीं भारत बंद किया भारत बंद दे विच किसी भी जट की दुकान तुहानूं बंद कराउण लई मजबूर नहीं करना पिया सारे लोगों ने आटोमैटिकली जिहड़ियां बंद कर दित्तियां भाव कहिंदा कि इस देश दे विच तुहाडी जिहड़ी ताकत आ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਵੈਸਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ 2019 ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਓਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਹਮਾਰਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਡਿਆਂਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ EVM ਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 2019 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਂਸੇ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕਰਤਾ ਜਮਾਤ 2019 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ EVM ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਬੂਥ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਲੱਖ ਬੂਥ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰੀ ਬੈਸਰਾ ਗੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰੀ ਬੈਸਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਹਿਸਾਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਮੂਲ ਵਸ ਬੋਲ 85 ਬੋਲ 85 ਭੀਮਰਾਵ ਆ ਗਏ ਤੂੰ और कैसे हो भीमा मैं तो ठीक हूँ भैया आप कैसे हो मैं भी ठीक हूँ लेकिन तुम्हारे परिवार की हालत बिल्कुल भी नहीं ठीक है भीमा क्या हुआ भैया तुम्हारे बाहर जाने के बाद इन 3 सालों में एक एक करके तुम्हारे 3 बच्चों की मृत्यु हो गई भीमा मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो किस समाज को समानता का अधिकार दिला रहे हो उस समाज को जो एक दिन तुम्हें भूल जाएगा भीमा कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा तुम्हारे 3 बच्चों की कुर्बानी तुम्हारा इतना संघर्ष तुम्हारा बाहर जाना भीमा सब भूल जाएंगे फिर भी तुम इस समाज को समानता का अधिकार दिलाना चाहते हो और अब तो तुम्हारे प्रिय पुत्र राजरतन राजरतन को क्या हुआ भैया
राजरतन की तबीयत बहुत खराब है। तुम्हारे बाहर जाने के बाद दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती गई भीमा। क्या? हाँ भीमा, घर चलो, रामू तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो भैया। रामू, ओ रामू, देखो मैं आ गया। आप आ गए साहिब। हाँ रामू, मैं आ गया। तुम रो क्यों रही हो रामू? और ये हमारे राजरतन को क्या हुआ? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? राजरतन को बहुत तेज बुखार है, लगभग 15 दिनों से। लेकिन इसका कोई इलाज ही नहीं करता साहिब, क्योंकि हम अछूत हैं। इसीलिए बार बार बाहर जाता हूँ, इतना संघर्ष करता हूँ, ताकि मैं अपने समाज को समानता का अधिकार दिला सकूँ, उसे उसका अधिकार दिला सकूँ। जिस तरह से आज मेरा बच्चा बीमारी से लड़ रहा है, मेरे समाज से कोई और बच्चा ना लड़े। रामू, आज जो रोग हमारे राजरतन को लगा हुआ है, उसके इस देश में हजारों डॉक्टर हैं, लेकिन जो छुआछूत का रोग हमारे समाज को लगा हुआ है, उसका डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ रामू, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। भीमराव, भीमराव जी, तार आया है। तार? ये कहाँ से आया है? ये लंदन से आया है। धन्यवाद। अरे भीमा, ये क्या है? भैया ये तार है। तार? ये कहाँ से आया? ये लंदन से आया है मेरे लिए। तुम्हारे लिए? क्या लिखा है इसमें भीमा? भैया इसमें लिखा है कि मुझे लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए जाना होगा। लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए? इसका मतलब तुम फिर से बाहर जा रहे हो भीमा? अरे अभी अभी तो आए हो, तुम फिर से बाहर जाने की बात कर रहे हो? तुम्हारे राजरतन, उसकी कितनी तबीयत खराब है, और तुम्हारे रामू की भी तबीयत कितनी खराब है। अभी तुम अपने परिवार को देखो, अभी उसकी तुम्हें जरूरत है। भैया मैं अपने परिवार को देखने लगा तो मेरे समाज के अधिकारों का क्या होगा? मेरे समाज को कभी उसका अधिकार नहीं मिलेगा। भीमा, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? तुम चाहो तो राजाओं महाराजाओं जैसा जीवन जी सकते हो, तुम अपने रामू को रानी बना सकते हो और अपने राजरतन को राजकुमार, फिर भी तुम उस समाज को समानता का अधिकार दिला रहे हो जो तुम्हें भूल जाएगा एक दिन। हाँ भैया, मैं चाहूँ तो अपनी रामू को रानी और अपने बेटे को राजकुमार बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज की सारी औरतें महारानी और उनके बेटे राजकुमार, उनकी बेटियां राजकुमारी बने, उनको उनका अधिकार मिले, वो भी सम्मान से जिए। इसलिए भैया मुझे जाना होगा, क्योंकि इससे बढ़कर मौका और कोई नहीं मुझे मिलेगा। और फिर तो बाबूजी का भी तो यही सपना था, वो भी तो चाहते थे कि दलित पिछड़ों को उनका अधिकार मिले। इसलिए भैया मुझे जाना होगा। मैं जानता हूँ भीमा, पर तुम्हारे परिवार को कौन देखेगा? तुम्हारे राजरतन को कौन देखेगा भीमा? भैया आप देखोगे, इतने सालों से तो आप देखते आ रहे हो, मैं बार बार पढ़ने चला जाता हूँ बाहर, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं जल्दी लौटाऊंगा भैया। ठीक है, जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुमने आज तक मेरी सुनी है? इस समाज के आगे जो आज मेरी सुनोगे। 15 दिन बाद। रामू, ओ रामू, तुम रो क्यों रही हो? रो मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा रामू। ठीक है साहिब। अपना ध्यान रखना और मेरे राजरतन का भी। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ, आप मेरे रामू और मेरे राजरतन का ध्यान रखना। तुम्हारी रामू? मैं तुम्हारी रामू का कैसे ध्यान रख सकता हूँ भीमा? अरे वो तो हम सबका ध्यान रखती है, फिर मैं उसका ध्यान कैसे रख सकता हूँ? वो तो इतनी महान है कि उसने आज तक कभी किसी चीज की शिकायत ही नहीं की, फिर मैं उसका ध्यान कैसे रख सकता हूँ भीमा? भैया मैं जानता हूँ मेरी रामू बहुत महान है, वो सबका ध्यान रखती है, लेकिन इन दिनों आप देख ही रहे हैं राजरतन की तबीयत खराब होने के कारण रमा ने रो रो के अपनी हालत खराब कर ली है भैया, इसलिए आप उसका ख्याल रखना भैया। ठीक है भीमा, मैं तुम्हारी रामू और तुम्हारे राजरतन का ध्यान रखूंगा। अच्छा भैया मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक। क्या हुआ रामू, तुम रो क्यों रही हो? रामू क्या हुआ? राजरतन की सांसें नहीं चल रही। राजरतन की सांसें नहीं चल रही? क्या हुआ राजरतन को? राजरतन की मृत्यु हो गई। राजरतन की मृत्यु हो गई।
आप जाके साहिब को बुला लाइए। मैं अभी भीमा को बुला के लाता हूँ। भीमा भीमा रुको, भीमा भीमा। क्या हुआ भैया? तुम्हारे प्रिय पुत्र राजरतन। राजरतन? हाँ भीमा, तुम्हारे प्रिय पुत्र राजरतन। क्या हुआ मेरे राजरतन को भैया? उसकी मृत्यु हो गई भीमा, वो इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? हाँ भीमा, उसकी मृत्यु हो गई। मेरे बेटे की मृत्यु हो गई भैया। हाँ भीमा, घर चलो, रामू तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या हुआ भीमा, घर क्यों नहीं चल रहे हो? भैया मैं घर नहीं जा सकता। क्यों? तुम्हारे प्रिय पुत्र राजरतन की मृत्यु हुई है, एक बार तो उसे देख लो। भैया आज अगर मैं लंदन नहीं पहुंचा तो वहां पर मेरे समाज के करोड़ों पिछड़ों दलितों के अधिकारों को गांधी एंड कंपनी एक्ट लाके हत्या कर देगा भैया, जिससे मैं होता हुआ नहीं देख सकता। जब भी मैं अपने समाज को ऐसी दयनीय भरी जिंदगी जीते हुए देखता हूँ ना भैया, तो मेरा दिल रोता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा समाज ऐसी दयनीय भरी जिंदगी जिए, मैं उसे समानता का अधिकार दिलाना चाहता हूँ। भीमा तुम्हारा एक ही बेटा तो बचा था, एक बार तो देख लो, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा था वो भीमा, एक बार तो उसे देख लो। भैया मैं अपने एक बेटे के लिए अपने करोड़ों बेटों के अधिकार नहीं मार सकता, इसलिए भैया मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा भैया। तो देखा आप सबने कितने महान थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने हमेशा अपने समाज को समानता का अधिकार दिलाने के लिए सारा जीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने सिर्फ हमारे ही समाज को नहीं बल्कि हर वर्ग की महिलाओं को भी समानता का अधिकार दिया। जब वो पहले कानून मंत्री बने, वो इस भारत देश के सबसे पहले कानून मंत्री बने, और कानून मंत्री बनते ही उन्होंने महिलाओं के हित के लिए बिल पेश किया जिसे सांसद ने स्वीकार नहीं किया। तब हमारे बाबा साहब ने उस पद को भी ठुकरा दिया। इतने महान थे हमारे बाबा साहब। हमारे बाबा साहब अगर ना होते तो हम ऐसे सम्मान से बैठ ना सकते। आज मर्द और औरत जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है तो वो भी बाबा साहब की देन है। ना तो हमें चलने की आजादी थी और ना ही हमें थूकने की आजादी थी, तब बाबा साहब ने संविधान लिखा। ही इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया। उन्होंने हमारे लिए संविधान लिखा और उस संविधान में हमारे लिए समानता का अधिकार दिया। आज अगर हमारे बाबा साहब ना होते तो आज भी हमारा जीवन वैसा ही होता जैसा बहुत पहले था। आज भी हमारे आगे हंडी और पीठ पीछे झाड़ू बंधा होता आज अगर हमारे बाबा साहब ना होते तो। हमारे बाबा साहब इतने महान हैं कि उन्होंने, वो इतने विद्वान थे कि आज जो भारत देश चल रहा है जिस संविधान की वजह से, वो संविधान भी हमारे बाबा साहब ने ही लिखा है। इतने महान थे हमारे बाबा साहब। उन्होंने हमेशा पूरा जीवन अपने समाज को समानता का अधिकार दिलाने में लगा दिया। रमा भाई एक ऐसी महान औरत थी कि जिन्होंने कभी भी अपने साहब से किसी भी चीज की शिकायत नहीं की। वो दूसरों के घर काम कर लेती थी पर अपने साहब से कुछ नहीं बोलती थी। जब उन्हें घर खर्च के लिए पैसों की कमी पड़ती थी वो दूसरे के घर जाके काम कर लेती थी, गोबर उठा लेती थी, चाहे जैसे काम करने पड़ते थे वो सब कर लेती थी, लेकिन अपने साहब से कभी भी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन उनके प्रिय पुत्र राजरतन की अचानक मृत्यु हो गई, जिसको उड़ाने के लिए उनके पास कफन का कपड़ा तक नहीं था। फिर उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू को चीर कर अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। ऐसी महान औरत थी वो। और आज जो बाबा साहब इतने कामयाब हैं, उसने भी रमाबाई जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए हम ये प्रण लेते हैं कि हम बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर जाएंगे। जय भीम जय भारत, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। इन्हें जोरदार ताड़ियां ला दियो। जय भीम जय भीम। सत्कारयोग सारे वीरां नूं और जिन्नियां भी मेरियां मातावां और भैणां आईयां ने सारयां नूं मैं जीयां नूं आखदा। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर नौजवान सभा
संजय गांधी नगर का बहुत ज्यादा शुक्र गुजार हाँ कि तुसी बाबा साहब जी के जन्मदिन नूं समर्पित जिहड़ा प्रोग्राम करा रहे हो और बहुत ज्यादा शुक्र गुजार हाँ साढ़े वड्डे भाजी रमन माही जी का जिन्हां दे आशीर्वाद सत्कार मैनू हाजिर लगाने का मौका मिल रहा और सारिया ही संगतों का भी शुक्र गुजार हाँ। सो थोड़े सामने एक दो रचना पेश करांगा सो सारे ने गौर फरमानी है जी हेलो हेलो सो सब तो पहला तो मैं जिहड़ा कि साडा इस बाबा साहब जी दे जन्मदिन नूं समर्पित साडा जिहड़ा नवां ट्रैक आया सी मार्केट दे विच मैं उस तो शुरुआत करूंगा कि तेनू कोट कोट प्रणाम मेरा मेरी कौम दे बब्बर शेरा तेनू कोट कोट प्रणाम मेरा मेरी कौम दे बब्बर शेरा सारे ने गौर फरमा जी हेलो हाँ जी थकिया नहीं कदे रुकिया नहीं कदे जुल्म दे अगे झुकिया नहीं कदे थकिया नहीं कदे रुकिया नहीं कदे जुल्म दे अगे झुकिया नहीं दुश्मन भी रह गए तंग भीम जी देख तेरा चेहरा तेनू कोट कोट परना मेरा मेरी कौम दे बब्बर शेरा तेनू कोट कोट परना मेरा मेरी कौम दे मर्द दलेरा अनुवाद ने कीते सी दरवाजे बंद सकूला दे कदे मनुवाद ने कीते सी दरवाजे बंद सकूला दे कुर्सी ना रह गई एक पासे नहीं सी दिंदे बैण सटूला दे कुर्सी ना रह गई एक पासे नहीं सी दिंदे बैण सटूला दे अज डॉक्टर जज वकील बने पढ़दा हर बच्चा तेरा तेनू कोट कोट भरना मेरा मेरी कौम दे बब्बर शेरा तेनू कोट कोट भरना मेरा मेरी कौम दे बब्बर शेरा तेनू कोट कोट भरना मेरा मेरी कौम दे मर्द दलेरा Hey!
अज छो भी साढ़े कोल भीम जी फल तेरी कुर्बानी दा अज सो भी साढ़े कोल भीम जी फल तेरी कुर्बानी दा अज पुला राई संजीव दे उपर कर्ज तेरी जिंदगानी दा अज जो भी साढ़े कोल भीम जी फल तेरी कुर्बानी दा अज पुला राई संजीव दे उपर कर्ज तेरी जिंदगानी दा असी कतरा कतरा खून बार के मिशन फलाना तेरा तेनू कोट कोट परना मेरा मेरी कौम दे बबर शेरा तेनू कोट कोट परना मेरा मेरी कौम दे बबर शेरा तेनू कोट कोट परना मेरा मेरी कौम दे फर्द दलेरा दरवाजे बंद सकूलां दे कदे मनुवाद ने कीते सी दरवाजे बंद सकूलां दे कुर्सी ता रह गई इक पासे नहीं सी दिंदे बैण सटूलां दे अज डॉक्टर जज वकील बने पढ़दा हर बच्चा तेरा तेनू कोट कोट परना मेरा मेरी कौम दे बबर शेरा तेनू कोट कोट परना मेरा मेरी कौम दे बबर शेरा तेनू कोट कोट परना मेरा मेरी कौम दे मर्द दलेरा जो भी साढ़े कोल भीम जी फल तेरी कुर्बानी दा अज जो भी साढ़े कोल भीम जी फल तेरी कुर्बानी दा अज पुला राई संजीव दे उपर कर्ज तेरी जिंदगानी दा असी कतरा कतरा खून वार के मिशन फलाना तेरा तेनू कोट कोट परना मेरा मेरी कौम दे बबर शेरा तेनू कोट कोट परना मेरा मेरी कौम दे बबर शेरा तेनू कोट कोट परना मेरा मेरी कौम दे बबर शेरा तेनू कोट कोट परना मेरा मेरी कौम दे बबर शेरा तेनू कोट कोट परना मेरा मेरी कौम दे फर्द दलेरा ये साढ़े पिंड का मुंडा जी भारत मल वॉयस ऑफ पंजाब भी गया मुंडा है ते बहुत वधिया सिंगर आ मैनू हुणे ही अपने फोन आया शिंदा कौलधार जी का राष्ट्रीय मूल संघ के प्रधान यूरोप कंट्री दे मैनू डेली फोन आता रोज आता जो क्रांति टीवी सीधा लाइव चल टैलीकास्ट चल रहा आ उन्हां दा ही चैनल चल रहा तो मैनू भाजी कहिंदे आ वी तूं जिथे जाना उत्थे लाइव चलाउणा ठीक है जी ते मैनू ये नहीं पता भी जेकर बाबा साहब लिखते ना संविधान रमन माही नूं स्टेजा उत्ते कदे मिलदा ना सन्मान साढ़े वड्डे भाजी रमन भाजी एक बारी इन्हां दे नां ते जोरदार ताड़ी लगा दिओ क्योंकि बहुत अच्छी सोच है इन्हां दी और इन्हां दा हमेशा प्यार साढ़े नाल रहिंदा है और बहुत ज़्यादा माण करके गए ने साढ़े वड्डे भाजी रणजीत रैणी जी एक बारी इन्हां दे नां ते भी जोरदार ताड़ी लगा दिओ
और जिन्हें भी संगत पान करके गई है सारा का शुक्र गुजार हाँ। एक होर थोड़े सामने बाबा साहब जी ने समर्पित एक पेश कर रहे हैं, सारे ने गौर फरमाए। हेलो की कह रहे ने भीम राव जी दलित लोगों नू भीम राव जी दलित लोगों नू सारे हक दवा गए हो कुलियां दे विच आप रह के मेला विच बिठा गए हो भीम राव जी दलित लोगों नू सारे हक दवा गए भीम राव जी दलित लोगों नू सारे हक दवा गए कुलियां दे विच आप रह के मेला विच बिठा गए कुलियां दे विच आप रह के मेला विच बिठा गए हो भीम राव जी दलित लोगों नू सारे हक दवा गए भीम राव जी दलित लोगों नू सारे हक दवा गए कुलियां दे विच आप रह के मेला विच बिठा गए कुलियां दे विच आप रह के मेला विच बिठा गए भीम राव जी दलित लोगों नू पढ़ो लिखो संघर्ष है करना 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 कौम दे लई दुख सदा ही चरना कौम दे लई दुख सदा ही चरना किसे मैदान च कदे नहीं हरना किसे मैदान च कदे नहीं हरना यही गल समझा गए कुलियां दे विच आप रह के मेला विच बिठा गए कुलियां दे विच आप रह के मेला विच बिठा गए कुलियां दे विच आप रह के मेला विच बिठा गए भीम राव जी दलित लोगों नू बोलण लई जुबान दे गया 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 नाहकिया नू मान दे गया नाहकिया नू मान दे गया सानू उच्ची शान दे गया सानू उच्ची शान दे गया कौम नू बन्ने ला गए कुलियां दे विच आप रह के मेला विच बिठा गए कुलियां दे विच आप रह के मेला विच बिठा गए कुलियां दे विच आप रह के मेला विच बिठा गए भीम राव जी दलित लोगों नू
बाबा तेरा सहारा कौनू बाबा तेरा सहारा कौनू बाबा तेरा सहारा कौनू बाबा तेरा सहारा लौना बेगम पूरे दा नारा लौना बेगम पूरे दा नारा लौना बेगम पूरे दा नारा कम करियो कौम दा सारा कम करियो कौम दा सारा सारे युग पलटा गए कुलिया दे विच आप रह के बैला विच बिठा गए कुलिया दे विच आप रह के बैला विच बिठा गए हो कुलिया दे विच आप रह के बैला विच बिठा गए भीमराव जी दलित लोकानो तो एक बहुत जरूरी गल दस जा रहा सारे ने गौर फरमाणी है कि अज तक सानू सारे नू दस्या जाता कि जिहड़ा पेट्रोल पंप ते काम करता हुंदा सी आदमी वह अनिल अंबानी बन गया जिन्हों आप करोड़पति खरबापति कहते हैं और सानू दस्या जाता है कि जिहड़ा चाह बेचण वाला एक इंसान सी वह प्रधानमंत्री बन गया और जिहड़ा ढाबियां ते काम करन वाला जिहड़ा सीगा सचिन तेंदुलकर जिन्हों आप कहते हैं और क्रिकेट का भगवान बन गया पर सानू अज तक यह नहीं दस्या जाता कि एक जड़ा दलित बालक सीगा जड़ा क्लास तो बाहर बह के पढ़ता हुंदा सी वो पूरे इंडिया का संविधान निर्माता बनया सानू अज तक यह नहीं दस्या जाता क्योंकि बाबा साहब की साड़ी जे अज असीं इत्थे स्टेज करवा रहे हैं सारे जने देखो बाबा साहब दीआं फोटो वाली कमीजा पा रहे हैं और असीं इत्थे खड़े होकर बोल रहे हैं यह सब इन्हां दी देण है एक बार जोरदार ताड़ी होनी चाहिए बाबा साहब जी लई जय भीम जय भारत इसलिए कहा गया है कि केंद्र ने कौनू बाबा तेरा सहारा कौनू बाबा तेरा सहारा कौनू बाबा तेरा सहारा कौनू बाबा तेरा सहारा लौना बेगम पूरे दा नारा लौना बेगम पूरे दा नारा कम करियो कौम दा सारा कम करियो कौम दा सारा सारे युग पलटा गए कुलिया दे विच आप रह के बैला विच बिठा गए कुलिया दे विच आप रह के बैला विच बिठा गए सब कुलिया दे विच आप रह के बैला विच बिठा गए सब कुलिया दे विच आप रह के बैला विच बिठा गए ओ भीमराव जी दलित लोकां नूं जोरदार ताड़ी बजा दो जी एक बारी ठीक है नहीं सो मैं शुक्र गुजारा एक बारी सारे दा फिर तो संजय गांधी नगर जलंधर और डॉक्टर बी आर अंबेडकर नौजवान सभा और सानू बहुत फख्र महसूस हो रहा कि जिन्हां करके अज असीं थोड़े सामने रूबरू हुए हैं उन्हों का जन्मदिन मनाया जा रहा एक बार जोरदार ताड़ी होनी चाहिए बाबा साहब जी लई क्योंकि जी उन्हों की साड़ी कौम को या साडे देश को देन है वह किसी की होर भी नहीं हो सकती जी उन्होंने देन दी है इसलिए मैं एक बार फिर तो शुक्र गुजार हाँ सारे का और रमन भाजी का भी और रणजीत रैणी भाजी का भी शुक्र गुजार हाँ और 28 तरीक न सब तो पहला दस दिना भुला राई वाला 28 तरीक न पिंड भुला राई संजीव भुला राई जी एक बार उन्होंने नाते जोरदार ताड़ी लगा दो बहुत अच्छा मिशनरी बुला रहा है वो साडे संजीव भुला राय जी क्योंकि जिहड़ा साडा नवा ट्रैक आया वह भी उन्होंने लिखा है और उसनु बहुत प्यार दे रहे हो तुसी और असी चाहते हैं कि उन्होंने नाम होर अगे तक जाए इसलिए 28 तरीक न संजीव भुला राय जी के पिंड भुला राई साडे वड्डे भाजी रणजीत रैणी भाजी भी उत्थे पहुँच रहे हैं और थोड़ा छोटा दास भी उत्थे हाजिरी लगाएगा और उस तो अगले दिन संडे 29 तरीक न पिंड रंधावा मसंदा विखे विश्व पद्धरी मेला हो रहा है महान मिशनरी मेला और उत्थे भी सारे ने दर्शन देने ने और जिदा तुसी अज प्यार दिता है
उत्थे भी इतना प्यार देना। एक बार जोरदार ताली लगा दो जी, बहुत ज्यादा शुक्र गुजार है। एक बार जय भीम, जय भीम, बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप सभी लोगों को जय भीम, जय भारत। ये हमारे ईमान हैं, ये हमारे ईमान हैं, ये हमारे जान है और ये हमारे सम्मान है। अगर इनको हम भूल जाएंगे तो हमें कहीं किसी जगह हमें जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, इस सोसाइटी की तरफ से हमें 2 मिनट का समय दिया गया है और मैं उतना ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये समय बहुत बहुमूल्य है। कहा जाता है कि देखिए दोस्तों, हम बहुत बातें कर लिए, सब कुछ करना हमें। अभी 2 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हुआ था, यहाँ बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, हमारे नौजवान भाई जिसे पंजाब में कहते हैं गबरू, गबरू कहते हैं हमारे नौजवान साथियों को। साथियों, हमें अगर संविधान बचाना है तो अपनी सरकार बनाना है। अगर संविधान बचाना है, इन दबे हुए कुचले हुए लोगों को अगर ऊपर उठाना है तो हमें सरकार बनाना है। अगर नहीं सरकार बनेगी तो हम इससे पता नहीं कितने साल नीचे जाएंगे। ये हम, हमारे जो बच्चे हैं, ये कभी सोच भी नहीं सकते। आज जो हम पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, हमें मौका नहीं मिलेगा कि इनको हम पढ़ाएं। आज हम संकल्प करते हैं, कहते हैं कि जीने की चाहत तुम्हीं से मिली है, जीने की चाहत तुम्हीं से मिली है, तुम्ही मेरे किस्ते के बाबा किनारा, बाबा किनारा, तुम्ही मेरे किस्ती के बाबा किनारा। ये लहू कतरा कतरा, ये लहू कतरा कतरा तुम्हारा है बाबा, ये मनसा है बाबा जन्म लो दोबारा। ये हमारी मनसा है कि अरे बाबा एक बार और आइए और इन सोए हुए लोगों को जगाइए और अपनी सरकार बनाइए और संविधान बचाइए। मेरी यही आवाज है, जय भीम, जय भारत, जय भारत। होना देखो, समा तो बहुत हो गया, 2-4 मिनट असं देवे साढ़े बुद्ध विहार अंबेदकर बुद्ध विहार मकसूदा तो बहुत देर तो साढ़े प्रोग्राम का आनंद माण रहे तो वो अपने विचार पेश करे श्री बलदेव राज जी। मैं उन्होंने मंच से सदा देना, श्री बलदेव राज जी। हैलो, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बी आर अंबेडकर नौजवान सभा संजय गांधी नगर का बड़ा धन्यवाद है, बड़ा जोश है, जिन्होंने इन्ने वधिया तरीके दे नाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस जिहड़ा है वह मनाउण दा यतन किया है। बहुत सारे बुलारे बोल के गए हैं, तुसी भी बड़ी देर तो बैठे हैं, श्रद्धा भी बहुत आ, समर्था भी बहुत आ, जोश भी बहुत आ, थोड़ा थोड़ा आपां होश भी अपनी कायम करनी है, होश भी बना के रखनी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन जिहड़ा है समझण वाला मिशन है, त्याग वाला मिशन है, थोड़ा जिहा विद्या वाले पासे नूं जाण वाला विद्वाना वाला मिशन है। इस करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म उत्सव आपां मनाउंदे आ, इहदे नाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं कोई बहुता फर्क नहीं पैण वाला। यह फर्क आपां नूं पैंदा जदों आपां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के उत्ते विचारां करदे आ और आपां इह कोशिश करदे वी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साडे तों की आस रखदे सी, सानूं किहड़ियां लीहां दे उत्ते तोरना चाहुंदे सी। इस करके आपां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म उत्सव जिहड़ा मनाउंदे आ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म उत्सव आपां इस करके भी मनाउंदे आ कि असीं सुणदे आ कि इस धरती दे उत्ते हजारां सालां तों असीं गुलाम आ, हजारां सालां तों असीं लताड़े जा रहे हां, दबाए जा रहे हां, पर किसी भी पीर पैगंबर देवी देवता किसी भी गुरु रब ने ईश्वर ने साडी कदी बाह नहीं फड़ी, कदी किसी नूं तरस नहीं आया कि ये जिहड़े लोग भुखे नंगे आ जिन्हां नूं जिंदगी जीवन दीआं सहूलतां भी प्राप्त नहीं हुंदीआं, कदी किसी देवी ने किसी देवता ने किसी ईश्वर आत्मा परमात्मा ने कदी इहदा हथ करके साडे दुख दूर नहीं कीते, पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने अपने हाथ के उत्ते सरों जमा के तुहानूं दिखाली अपनी कलम की नोक के नाल उन्होंने इक्को ही अखर लिख के सानू सहूलतां लैके दित्तियां और सानू पशुओं तो इंसान बनाया। इस करके आपां सारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जिहड़ा जन्म उत्सव आ वो मनाउंदे आ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जदों पढ़दे हुंदे सी तां जिहड़े जिदा बोर्ड रखे आया बोर्ड के पिछे
दूजे बच्चों के जोड़े डब्बे रखे होंगे सी कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर सवाल हल कर ली मास्टर कहता सी ना तो बच्चे अपने डब्बे चकन तुर तुर पेंदे सीगे कि मास्टर जी इस बोर्ड के पिछे साढ़े रोटी वाले डब्बे पे आ जे डॉक्टर अंबेडकर ने चाक के नाल बोर्ड में छूया तो साढ़े रोटी वाले डब्बे जोड़े आष्ट हो जाने हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उत्थे बह के पढ़ते होंगे सके जिते दूजे समाज के लोग जोड़े आ वह जुत्तियां लाते होंगे सी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पानी पीण के लिए सारी सारी दिन प्यास तो उन्होंने तंग रहना होंदा सीगा सारा सारा दिन धुप्पे ही बैठे रहना सारा सारा दिन ना उन्होंने किसी ने कोई वाल कटता सी ना उन्होंने कोई पढ़ने कोई सहूलत सी दीवे की लोहे बैठ बैठ के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते होंगे और एक 8x8 की खोली होंगी सी 8x8 का एक कमरा होंदा सी जिथे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पूरा परिवार उन्होंने नाल उनकी बकरी उनके माता पिता भूआ 14 परिवार के मैंबर रहिंदे सी जिन्हां दे विच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पैदा होकर साडे समाज के लोगों का जिहड़ा दुख आ वह दूर करने के लिए यतन किया इस करके आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्मदिन है वह आप मनाने हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार उन्होंने मास्टर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भी तैं पढ़ पुढ़ के की लैना मनुस्मृति दे विच तां लिखिया है भी शूदर ढोल गवार पशु नारी सारे ताड़न के अधिकारी भी जे तू पढ़ गया तो तेरिया सत्त कुलां जिहड़ियां आ उह नरक च जाणगियां। डॉक्टर अंबेडकर ने मास्टर नूं पुछा भी मास्टर जी कित्थे लिखिया है मास्टर कहिंदा भी इह मनुस्मृति दे विच लिखिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी मास्टर जी मैं पढ़ लिख के विद्वान बना बड़ा अफसर लगा चाहे ना लगा पर मैं बड़ा होकर काम जरूर करूँगा भी जी मनुस्मृति है ना मैं ये चौराहे दे विच अग ला के फूकूंगा जी इंसान नूं इंसान नहीं समझती जी औरत नूं पैर की जुत्ती समझती है मैं मनुस्मृति नूं अग ला के इस औरत नूं सिर दा ताज बना के दिखा लूंगा। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन के तहैया किया इस करके बाबा साहब की मेहनत ना तो उन्होंने परिवार ने माणी ना उन्होंने बच्चों ने माणी उन्होंने मेहनत आप माणते हैं आप जहाजों च घूमते हैं लख लख दो लख रुपया तनखाह लेंदे हैं इन्ने सोहने महिला वर्गे आप घर बना के बैठे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो मौत हुई सी तो उन्होंने उत्ते उदो करजा सी उन्होंने पुत पोतियां भी जोड़े थे करजा लाने ही मर गए पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी समाज के नाल गद्दारी नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी समाज का मुल नहीं पट्टिया इस करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आप रब तो ईश्वर तो देवी देवता तो पहला आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं भी यही साडा गुरु आ यही साडा मसीहा यही साडा सब कुछ आ जिन्हें सानू मतलब इंसाना वाली जिंदगी जी वो जीण के काबिल बनाया तो गल्लां करन लई बथेरियां आपां अगली रात तक भी आपां भवन लगे रहीए गल्लां नहीं मुकणियां जिहड़ा काम आ वह अमल करके मुकना जे आपां अमल करांगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सिक्ख्या नूं अपने जीवन के ढालांगे फिर कोई गल बनन वाली आ नहीं तो कितना इदां ना होवे भी जिदा आपां रविदास महाराज की जयंती मनाउंदे आ 4 दिन 10 दिन बड़े ढोलकियां छाने खड़काउंदे आ उस तो बाद इदां दी भान पै जांदी भी आपां उठदे ही नहीं सारा साल। उन्हां लोकां ने यूनीवर्सिटियां बना लईआं उन्हां लोकां ने कॉलेज बना लए आपां अपने घर बार भी नहीं बना सके अपने बच्चों नूं चंगी तरह पढ़ा भी नहीं सके अपने बच्चों नूं चंगे अफसर भी नहीं बना सके साढ़े चो ना कोई जज आ ना कोई साढ़े चो इंजीनियर आ ना कोई साढ़े चो वकील आ ना कोई साढ़े चो डॉक्टर आ कलर्कां दी भीड़ इकट्ठी हुई हुई आ कलर्क भी जे कि नौकरी से लग जाते तो वो घर वाली पता नहीं कितों आ जाती है वो कहती चल पहला आप देवी तला मत्था टेक के आना मैं तो फलानी मनती हाँ मैं तो फलानी मनती जिस रहबर ने सब कुछ दिता हों भी बेचारा जनानी मगर लग के वह भी सारा कुछ मतलब बर्बाद हो जाता इस करके साथियों भैनों भराओ गल्लां जिन्नियां मर्जी करी जाइए आपां अपने बच्चों पढ़ाइए अपने समाज के एसेट बनाइए अपना जिदा डॉक्टर बी आर अंबेडकर नौजवान सभा के साथी आ जिन्ना इन्हां दे विच जोश आ मैं सारे साथियों के चरणों में बेनती करदा भी एक तो यह अपनी जिहड़ी एकता इदां बनाई रखो दूजा कोशिश करो भी इस लोकैलिटी दे विच जे तुसीं कोई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे नां ते कोई स्कूल जां कोई लाइब्रेरी जां कोई इदां दा सेंटर वगैरह बना लो तो बहुत वधिया होगा ज्यादा गल्लां ना करते हुए तुहाडे सारिआं तों इजाजत लैंदे आ फिर कितें मौका मिलिआ फिर थोड़ा होर आपां गल्लां करांगे हुण तुहाडा भी समां ज़्यादा हो गया तो प्रोग्राम भी समाप्ति वाले पासे नूं इस करके सारिआं ने आपां इकट्ठे होकर इत्थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई आ
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਇ।